रामका माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बालू रेती का अनुबंध समाप्त होने के बावजूद एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है और पैसे नहीं देने पर रेत की गाड़ी बंद करवाने की धमकी दी जाती है, जिसके विरोध में सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के साथ रेत एसोसिएशन तहसील सरदारपुर द्वारा एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर शनिवार को अनुविभागीय राजस्व अधिकारी राहुल चौहान एवं पुलिस विभाग के एसडीओपी आशुतोष पटेल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि रामका माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड का रेती का सरदारपुर तहसील सहित धार जिले में अनुबंध 30 जून 2023 को समाप्त हो चुका है। उसके बावजूद सरदारपुर तहसील के रिंगनोद में अवैध वसूली के उद्देश्य से बैरियर लगा दिया गया है। पूर्व में भी रिंगनोद चैकी के पास बैरियर लगाकर अवैध वसूली की जाती थी और ड्राइवरों द्वारा पैसे नहीं दिए जाने पर पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग को बुला लेने की धमकी दी, गाड़ियां बंद करवाने की धमकी दी जाती है। रामका माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुजरात प्रदेश की रॉयल्टी होने व मध्य प्रदेश की आईएसटीपी रहने के बावजूद प्रत्येक रेत वाहन से 5,000 रुपए की राशि ली जाती है। हमेशा रेत व्यापारियों को परेशान किया जाता है। वर्तमान में खनिज विभाग धार द्वारा रामका माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड का केवल भंडारण की अनुमति दी जाती है, किंतु भंडारण में रेत उपलब्ध नहीं है। शासन के नियम विपरीत रामका माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए धार जिले में रामका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा लीज अनुबंध समाप्त होने के बावजूद बैरियर अवैध वसूली करने एवं रेत भंडारण के कार्य में नियम विपरीत कार्य करने पर रामका कंपनी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देते समय समंदर सिंह पटेल, हुकुम सिंह रैवर, सुमित गादिया, कोमल सिंह पटियार, प्रदीप जमींदार, रितेश वैश्य, कैलाश लछेटा, गोलू राठौर, घनश्याम गुर्जर, मुकेश पवार, राजेश राठौर, अर्जुन पवार, अल्पेश रोकड़िया आदि मौजूद रहे। सरदारपुर से दशरथ पाटीदार की रिपोर्ट। आज जो रेत लाई जाती है ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में रामको कंपनी जिसकी अवधि समाप्त हो गई है, उसके बावजूद भी ट्रक ट्रांसपोर्ट व्यवसायों से अवैध वसूली की जा रही है। इसके साथ साथ में अन्य लोग भी, अवांछनीय लोग भी अवैध वसूली कर रहे हैं। अगर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी या ट्रक ड्राइवर उस बात का विरोध करते हैं तो वो शासन प्रशासन के नाम से चालान बनाने की धमकी देते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। आज हमने अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर और एसडीओपी साहब से हमने ये मांग की है कि सरदारपुर क्षेत्र अवैध वसूली जो हो रही है अवांछनीय लोगों के द्वारा, अवांछनीय अवैध वसूली रोकी जाए और रामको विरुद्ध जो कंपनी है उसकी भी जांच की जाए।